अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए रिव्यू लेके हैं कैमरे 2023 का। फ्रेंड्स ये मॉडल है, 2.5 लीटर इसकी इंजन की कैपेसिटी है और इसकी कंडीशन की बात की जाए तो मिंट कंडीशन है, बिल्कुल न्यू कार है फ्रेंड्स ये। और इसकी अगर लोकेशन की बात की जाए तो इस टाइम ये दुबई रासल खोर में ये कार अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका 360 व्यू चेक कर लें बैक साइड से, उसके बाद साइडों से और फ्रंट से भी आपने देखा है तो बैक साइड पे कैमरे का लोगो मिलता है। और ये लिमिटेड एडिशन है इसका V6, ये वाला वेरिएंट आपके सामने दिखा रहे हैं आपको, आप अपनी स्क्रीन पे मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। देन फ्रेंड्स व्हील्स आप देख सकते हैं, 15 इंचेस के यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं। उसके बाद इंटीरियर भी आपको दिखा देते हैं कि इंटीरियर में आपको कौन कौन सी ऑप्शन मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरह के मैंने पहले बता दिया ये मिंट कंडीशन में ये कार है। फ्रंट पे आप हेलोजन लाइट्स देख सकते हैं इसके अंदर, उसके बाद फॉग लाइट्स भी आपको फ्रेंड्स इसमें मिलने वाली हैं। चलिए इंटीरियर की तरफ जाते हैं और दिखाते हैं आपको कि इंटीरियर में कौन कौन सी ऑप्शन आपको मिलने वाली है। तो राइट साइड से फ्रेंड्स जैसे ही आप एंटर होते हैं यहाँ पे कैमरे का खूबसूरत सा लोगो क्रोम की फिनिशिंग वाला इसके डोर पे अटैच है। उसके बाद फ्रेंड्स इसके अगर स्टीयरिंग की बात की जाए तो यहाँ पे आपको पावर स्टीयरिंग मिलने वाला है, क्रूज कंट्रोल की ऑप्शन मिलने वाली है, मैनुअल ट्रांसमिशन में ये कार इसमें अवेलेबल है। फ्रंट पे आपको दो ग्लास होल्डर की ऑप्शन भी मिलने वाली है, आर्म रेस्ट की भी इसमें ऑप्शन है, लेदर कोटिंग की सीट्स हैं। डैशबोर्ड्स फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, इसमें ब्लैक और क्रीमी कलर का खूबसूरत सा टच दिया गया है। चलिए बैक साइड से आपको दिखा देते हैं तो तीन बंदे पीछे और दो बंदे फ्रंट पे इजीली इसमें बैठ सकते हैं। एसी वेंट्स मिलने वाले हैं बैक साइड पे और सेंटर वाली सीट को आप एज अ आर्म रेस्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं और ग्लास होल्डर में भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें एयरबैग्स की अगर बात की जाए तो फ्रंट पे आपको दो एयरबैग्स मिलते हैं, एक पैसेंजर सीट पे और दूसरा आपको मिलने वाला है ड्राइवर सीट पे। और ड्राइवर सीट को आप 360 मूव कर सकते हैं फ्रंट बैक अप एंड डाउन जिस तरह भी आप मुनासिब। और मिरर्स की फ्रेंड्स इसमें बात की जाए तो चारों मिरर इसके फुल्ली ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड हैं। फ्रेंड्स इस कार के अगर मीटर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है एनालॉग मीटर, डिजिटल मीटर नहीं मिलता, एनालॉग मिलता है। एसी वेंट्स दोनों साइडों पे अटैच हैं फ्रंट पे और पिछली सीट्स के लिए सेंटर पे अटैच किए गए हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा, इसको कीजिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।